या कराटे। तो धोई देने आया था, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा अम्मा ठीक हो गई। अम्मा एकदम नॉर्मल सांस लेने लग गई, अम्मा एकदम नॉर्मल सांस लेने लग गई। सुनाई दे गया होगा, हाँ रिकॉर्डिंग सुनाई दे गया होगा, मैं वही सोच रहा था। नहीं हुई। रिकॉर्ड तो कर लिया पर मैं मिस कर गया, अम्मा एकदम नॉर्मल सांस ले रही थी उस टाइम। नहीं तो हम सबूत इकट्ठा कर लेते और फिर अम्मा को दिखाते। दोएगी नहीं दी अभी, नहीं कर रही, ना नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रही, एकदम स्मूथ सांस ले रही है जैसे मैं लगता हूँ। है ना। नहीं अच्छी लग रही है। मैंने नहीं करवाना कुछ भी कैसे यार। एकदम कछुए की स्पीड से जाएंगे भाई, आराम आराम से। सर्दी लगने का लगवाने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद दोपहर को देखेंगे कि वर्कआउट वगैरह करना है कि नहीं करना है। कल पापा को बताया था कि मैं करने गया था, फिर मेरा तमाशा उतर गया था कि तेरा दिमाग ख़राब है, अभी गलत तेरा ठीक हुआ है नहीं। अर्दू पहले ही पंगे लेना शुरू कर दे, इसलिए मुझे नहीं पता दोपहर को क्या करूँगा। पर अभी तो मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है और उठा तो मैं सही टाइम पे ही हूँ। बस उठते साथ ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस बाल्टी में पानी भरना है, लेकिन वहाँ पर बाल्टी पहले से ही रखी है जो कि पानी से ओवरफ्लो कर रही है। तो गोल अपना ये है कि पानी बाहर ना गिरने दिया जाए जितना कम से कम हो सके, क्योंकि थोड़ा सा तो गिरेगा ही। ठीक है, बहुत कम गिरा। क्लीन डेब्रिस को उठा के ट्रांसपोर्ट कर दे अलमारियों में। डेब्रिस मैंने समझा दिया था तुम्हें, अगर किसी को ना याद हो, डेब्रिस मतलब कि तबाही के बाद जो गंद पड़ता है। पर क्योंकि ये साफ कपड़े हैं तो ये साफ कपड़ों का गंद है। मेक सेंस शायद। एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गया ये भी, एक गार्गलिंग करने वाली। ठीक होए गर्दन जल्दी से जल्दी तो फिर मैं खा सकूँगा बाहर वाली चीज़ें भी, जैसे पापा खा रहे थे कल और मैं सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा था। हैं अभी तो टमाटर बतेरे हैं अभी तो। तू ऐसे ही बोलता है यार, और फिर बोलता खत्म हो गया था। तो फिर यूज़ करेंगे तो ख़त्म तो होंगे क्या ही। करके बताओ मेरे को, एड्रेस दे। दे रहा हूँ, करें टमाटर एनालिसिस। ये तो फिर तमाशा उतर जाएगा अगर एग्जैक्ट नहीं बताए, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहता कि बताना भी होता है जब ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले बताना होता है जो कि मैं नहीं बताता, इसलिए पहले बताना ज़रूरी है। कितने हैं अभी देखें, कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओके, एग्जैक्ट 8 टमाटर हैं। अम्मा को कहा मैंने, अम्मा का कराटे मारते रिकॉर्ड कर लिया मैंने, पर वैसे मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, अम्मा का सांस नॉर्मली चल रहा था। अम्मा ऐसे मैं पिघलना ही बोलूंगा, क्योंकि वो बाद में पिघलता ही है, गलता नहीं है। बाद में ऐसे एकदम वो हो जाता है, वो लोहा पानी में पिघलता है, प्लास्टिक पिघलता है, हम छोले और राजमा भी आलू पिघलते हैं, वो गलाते तो नहीं है। वो आप गलाते पिघलते होगे, मैं तो पिघलता हूँ। चले तो और क्या, वो बाद में एकदम वो हो जाते हैं। अंगूठा लगाना शुरू करते हैं फिर तो। अंगूठा? अच्छा अंगूठा छाप वो वाला कह रहे हो, हाँ अनपढ़ वाला है। पर फिर भी अंगूठे मैं डालने पिघलना नहीं ही तो कहूंगा फिर उसको। हैं क्या? बिटक करके ये बोलेगा पिघलना, तो भाई अब पिघल रहे हैं छोले या राजमा को, तो पिघल ही ये रहे हो। बिटक करने के बाद तुम्हारे को वहां पर जो फर्स्ट ईयर में कराते हैं उसमें पता नहीं लगता है कि पिघलना क्या होता है और वो गलना क्या होता वहां उन्होंने अंतर नहीं बताया है, गलाने और सही नहीं पिघलने बताया। में। थोड़ा डिफरेंशिएट करना उनको बोलना सिखाओ फिर। अब तो हो गया कोर्स खत्म, अगली बार जब कुछ और सीखेंगे तब पता करेंगे। इससे वेट नहीं बढ़ता। इसी के लिए होता है, ये उतने का ही होता है जिन्होंने दिया हुआ कंटेंट जिस हाँ हिसाब से बताया, तुम्हारा पेट भी भरा रहेगा हाँ मतलब जरूरी और कार्ब्स मिल ओवर जाते हैं और ईटिंग ओवर नहीं है ईटिंग भी जो नहीं है। चीज चाहिए तुम्हारे को फिल्टर होके वो तुम्हारे को उसमें पहले से मिल रही है।
स्मार्ट ब्रेकफास्ट है ये ना। उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर आपको पचता ही नहीं। नहीं मेरे को नहीं पचता, मैं नहीं कहूँगा, हाई बीपी वाला ना ले बस। नहीं जरूरी नहीं है कि हाई बीपी वाले ही ना ले, मतलब कुछ और भी तो हो सकता है आपको, कुछ और तो नहीं सूट करता। प्रोटीन तो है ना, तो प्रोटीन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। प्रोटीन से बढ़ता है ब्लड प्रेशर, और क्या बढ़ता है। तो अगर ज्यादा कार्ब ले लो फिर नहीं बढ़ता वो, उससे भी बढ़ता है। तो फिर खाने को क्या रह गया अगर रोज तो यही होता खाने में। मोटे बंदे के लिए तो बड़ा कुछ ढंग से चलना पड़ता भाई, पतला वाला तो खा ले। हाँ पतले को तो चलो लोड है, वैसे फिर तो पतले वाला तो कभी हाई ब्लड प्रेशर का हो ही नहीं सकता है ना फिर तो। क्यों? हो सकता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो तो निकालेंगे ना बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो निकालेंगे नहीं तो ब्लड में घूमता रहेगा वो, तो ब्लॉकेज नहीं करा करेगा। तो मतलब बस शरीर में एक मेन गोल बनाओ कि ब्लॉकेज ना हो। है ना? वो तभी होता है कि बंदा चलता फिरता रहे, बस उसका एक ही तरीका है, खेलते कूदते रहो, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, पैर घूमता फिरता रहे बस। ये नहीं कि शरीर का यूज करे, तेज तेज नहीं चलना और ओवरवेट वाली चीजें भी नहीं चकनी ज्यादा, उतना कर ही चके जितना कर बर्दाश्त होता बस। शरीर का यूज करे मतलब बस, उसको शरीर को उसमें मोमेंटम में रखते जाओ, देखो मस्ता रहे, कार्डियो होता रहता ना। हाँ कैलोरी बर्न होती रहती है, ब्लड ही तो फिल्टर, वहाँ ब्लड फिल्टर कर, ब्लड टेस्ट ही तो करते हैं। बिल्कुल, जो चलता रहेगा वो बचा रहेगा, जो नहीं चलेगा वो गया समझो, वो एक दिन आनी। तुम मान लो अगर आप खाना फिजियो, सुन अगर तुम फिजियो भी करा लो, कुछ करा लो, फिजियो क्या करेगा, वो टाइमिंग है, थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट डालेगी अपना, फिर उसके बाद तुम फिर खा लोगे, फिर फायदा क्या है उससे, तो खुद ही चलते रहो, चलने से ऊपर कुछ भी नहीं है। मान लो अगर कोई या साइकिलिंग नहीं, मान लो अगर जैसे हम बुढ़े तो होंगे और खाना हम सटी मतलब लिख के सही रखे हैं, जैसे अभी खा रहे हैं। नहीं तो पूछ रहा हूँ मैं, तू बुड्ढा नहीं होता। बताओ तो, जैसे हम बुड्ढे होंगे और खाना ऐसे ही सलीके से रखे, खाना हम सलीके से ही रखे मतलब ठीक ठीक खाएं, क्योंकि बुड्ढे तो होना ही है। तो फिर अपनी उम्र में तो खाओ ना, थोड़ा बहुत तो खाओ, बाद की बात कर रहा हूँ मैं। बाद में तो फिर जो जो उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, जो चीज नहीं पचरी उसको फिर क्या बोलते कम करते जाओ, उसको शाही खाने में डाल दो, मतलब जैसे शादी ब्याह में कभी कभार खाते हैं ना, वैसे खाओ उसको। तो मतलब मैं काफी मिस कर रहा हूँ अभी, मतलब मैं काफी मिस कर रहा हूँ अभी, तभी तो पतला हो रहा है। अपने आप ही पता चल जाता है, प्रोटीन बंद कर दे एकदम पतला, दाने बंद कर दे एकदम, देख रहे तो पतला होना शुरू हो जाएगा। हाँ मसल के लिए जरूरी तो होता है प्रोटीन, दौड़ के भी नहीं पतला हो सकता जितना तू उसमें होया जाएगा, खाने को कंट्रोल करके। चीनी चीनी तो मोस्ट, चीनी तो स्पेशली, चीनी तो खाए ना बंदा, खाए ना जिंदगी, चीनी से ये जाए में लिमिटेड, बिल्कुल जरा सा मतलब कि जो चम्मच का उल्टा मिठास के लिए उतनी कर चीनी पाए ना के बराबर है फिर तो पाए ना। नहीं डाल लो थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल लो, लेकिन बस उससे ज्यादा नहीं जाना है, और क्योंकि तुम्हारा उसमें रोटी के बीच में भी होता ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ ये होता है उसके बीच में, तुम्हारी चीनी वैसे नहीं होगी। वैसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके ना कोई टेस्ट ही नहीं आता, या तो लो मत या फिर एक दिन अच्छे से ले लो। फिर वो कट्टी भूख लगेगी फिर खाने की, फिर तो मजा ही नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े में हो जाती है आदत, हो जाती है गलत आदत है, बहुत ऐसी आदत नहीं पानी है नहीं, वो तुम्हारे को नहीं है ना, जब बुड्ढा होगा बंदा तो उसको अपने आप ही दिखेगा, मेरे को पता नहीं था तो अपने आप ही खाएगा वो, ये भी है नहीं। फिर अब मैं कितना कितना खाता था देख,
अब कितना ये हो जाएगा। नहीं खा तो आप फिर भी काफी लेते हो अभी, बट पछता नहीं बस। गुल्ली डंडा खेलने चल जाना तो वो पचता ही रहता था सारा टाइम। खाने को तो चाहिए ना फिर, और फिर फास्ट बॉलर। मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना खा के अपनी उम्र में? मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना खा के अपनी उम्र में? खाने का स्टाइल ही अलग है क्या, और क्या पता नहीं क्या खाता है तू। ये खाता है ओट्स वोट्स खाता रहता है, जो रोट अपने रोटी खा गया उसने। रोटी तो मैं खा ही रहा हूँ, रोटी का तो मुकाबला ही नहीं। रोटी तो मैं खा ही रहा हूँ, पर वैसे जवानी की गुडनेस को ना मिस कर जाऊँ मैं खाने वाले। नहीं अब मैं थोड़ी पूजा भी कर लूँ। कर लो, आप ही ने बात शुरू की थी दोबारा को। है सुन, जब तुम्हारे में 3 D आ जाए ना, डल डीडी ड्रोजीनेस, तो समझ लो कि तुम नीचे गिरने वाले हो। अब अच्छा। मतलब कि तुम्हारा बीपी लो जा रहा है इस टाइम, तो बी अलर्ट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फटाफट चाय चुई पी लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, चाय पी लो या थोड़ा सा, जूता मतलब सुखा के नहीं काम चलेगा अगर उसका? गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी पी लो। नहीं, जूता सुखा के नहीं काम चलेगा अगर बेहोश हो रहा हो आदमी। आप कहते हो ना जूता सुखा अरे दो वो तो उसका। मिर्गी में चलता है यार, जो उसको कहते हैं लो बीपी वाले को सुना के, तो उसको क्या करेगा वो क्या सुन लेगा। हाँ, पहली बात तो सेंसेस में ही नहीं होगा उल्टी वो। उल्टी बातें कर रही है। वियर्ड बात, वियर्ड बात, अजीब बात। बात नहीं है। हाँ, मैंने इसका एक चम्मच टेस्ट करके देखा, आपको कैसा लगा? इससे बढ़िया तो जहर होगा। क्यों क्यों, क्या टेस्टलेस है बिल्कुल। इससे नहीं, बढ़िया तो सही में पानी पी लो मतलब। तो आपका कहने का मतलब कि हर चीज में टेस्ट ही लेना चाहिए? तो और क्या, टेस्ट के लिए तो बनी होती है चीजें, तो होता है तो करो ना जरूरी। ये कोई क्या चीज, बात हुई कि कोई टेस्ट चीज नहीं लेना चाहिए? एनर्जेटिक होती है। नहीं अब दवाइयां होती हैं तो वो आपको ठीक करती हैं, तो वो क्या मीठी होती हैं क्या? दवाई की चीज अलग है, ये खाने की चीज चलो है। ये फाइनली पापा ने पहले सिप के बाद रियलाइज किया कि सही में इससे तो जहर ही बेटर होगा। नहीं, वो तूने डाला था ना, इसलिए मैं उसको गेस कर रहा हूँ। मतलब गेस नहीं कर पाएगी कितनी चीनी होगी। हाँ, मैं सोच रहा कुछ होगा तो उसमें है ही हाँ, नहीं। कुछ है ही नहीं टेस्ट, मैं कहता हूँ एकदम। नहीं भिक्की पी ली कल, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, पर इसमें अब हम तूने बोला चीनी, ना कि मैंने चीनी डाली है तो चीनी तो आपने कहा था चाहिए। चीनी डालने के लिए। कितनी पाऊँ? हाँ तो नहीं थी चीनी तो, इतनी तो पाई देता हूँ ना, तभी टेस्ट आएगा, नहीं तो टाना ही नहीं टेस्ट। तो गोल लो। आज आधी छुट्टी पूरी छुट्टी है ये छुट्टी, पूरी छुट्टी कैसी तो छुट्टी हुई है? फिर जब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा तो क्या करूँ आप बताओ। तो मत जाओ आज, रिलैक्स करो। इसमें 1% ही की है खत्म है, 100% थी, 99% हो गई है, ज्यादा खत्म हो गई। फिर 4 दिन में लगा दूं क्या? मेंटली यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। मेरे को भी होता है थोड़ा थोड़ा, पर अब नहीं है, पहले था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, पर जब से वीडियो बनाने लगा हूँ तब से आदत सी हो गई है थोड़ी। दादाजी की आदतें पड़ी हुई है ना, सर दादा जी भी ऐसे ही वो कहते सरप्लस रहना चाहिए, मेजर खत्म नहीं, मतलब फिर एकदम मुश्किल हो जाती है। बस थे। नहीं, ये आदत थोड़ी तो है मेरे को, मतलब जब भी जाना कहीं में पे भी जाना चार्ज हो ना, करके ले बस में जाना। भी जाना तो लास्ट बस के लिए मना करते हैं। अच्छा। पहले सुबह की कोशिश करो, पहले अली पकड़ लो शुरू की, ताकि अगर वो अगर गड़बड़ हो जाए, टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो पीछे से दूसरी दुआरी होती है। ये लास्ट वाली होगी तो फिर बैठे रहो रात भर वहीं, कहाँ से आएगी। वैसे मान लो जब ये लास्ट वाली खराब होती होगी तो क्या करते होंगे बस ड्राइवर और पैसेंजर? पार्टी चलती होगी इनकी तो? या तो रात को वेट करते हैं या फिर इसका वो रिलीवर आता है वहां से, दूसरी बस आती है। अच्छा। बस आती है या टायर टूर कुछ चेंज होना है, कुछ मतलब नियरेस्ट जो ऑप्शन होता है ट्राई करने की कोशिश करते हैं, पर अगर फंसी ऐसी जगह में जाए जहाँ पर क्या बोलते कोई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दूरी बहुत ज़्यादा है, फिर तो वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आने में भी तो टाइम लगेगा उसको। नहीं तो, मीन वाइल क्या पार्टी करते हैं बस ड्राइवर और हेलीकॉप्टर पैसेंजर? आता है, हेलीकॉप्टर आता है और कुछ है? पहाड़ी इलाके में तो फंस जाएगा ना बंदा।
प्लेन में तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी सपोर्ट। हाँ ये तो है, और भी आ रही होती हैं गाड़ियाँ, आ रही होती पर हैं पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर ही थोड़ी आएगा सीधा। मान लो हिमाचल ट्रांसपोर्ट की अपना क्या, जैसे हिमाचल रोडवेज की मान लो बस खराब होगी तो हेलीकॉप्टर थोड़ी आएगा उसको बचाने, हिमाचल कौन सा। अरे रोडवेज वो को। तो मैं फॉरन से कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा मैं तभी कहूँ, मैं कहूँ कुछ ब्लफ ज्यादा ही ऊपर चले गए। ब्लफ मार रहा है यहाँ, यहाँ नहीं होने का कुछ भी, यहाँ तो कहेगा पड़े रहने जंगल में इसको। सी व्हाट, स्क्वायर कट, ये तो आपने उधर लेग वाली साइड में मार दिया, ऑफ में जानी चाहिए तो। स्क्वायर कट हाँ ये तो आपने इधर फेंक दी ना, आउटसाइड या ऑफ स्टंप, कहीं ना है आपका रोलिंग वीकनेस, रोलिंग वीकनेस है। रोलिंग देख के मार दिया लैपटॉप के मुक्का, पर चलो ठीक है बच गया बेचारा। एक्साइटेड हो तो ऊपर क्रिकेट खिला देते हैं कुछ आपको। कट गई, कुछ कट जाएगी, हाँ पर आगे उसको जिंदगी ये बन जाएगी। इससे तो बच के रहना, ये सुन गणपति ये तो मरोड़ा ही दंदे, मुरमुरा बना दे मुरमुरा। मुरमुरा हाँ बहुत ही है क्या बोलते, नहीं और पर अप्रिसिएशन देना चाहिए भगवान को, है नहीं कि इन्हीं के करके जो भी हो रहा है इन्हीं के करके हो रहा है, जो कि अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं वो अच्छे के लिए करते हैं सब कुछ, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बुरे के लिए नहीं करते वो। बिल्कुल। हम वो किसी पता है लंबे क्या, प्रोसेस से जाएं। वो सीख देते हैं, वो सिखाते हैं, बताते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, हाँ फिर भी बंदा ना सुधरे तो फिर वो भूतो, फिर वो देता है सबको फिर भी पता। मर्सी बहुत है भगवान की, मारता नहीं है भगवान, और बेशक तुमने गलत भी किया हो। ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ दुनिया में कि जिसने सिर्फ अच्छे दिन देखे हैं, ये खाली बुरे ही दिन देखे हाँ हैं, ये तो है, ये तो फॉर श्योर चीज है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है अच्छा आया तो बुरा भी आएगा, बुरा आया ये तो अच्छा भी आएगा। बुरा वक्त जो है किसी बहुत तगड़ी चीज की तैयारी के लिए हो रहा है, मतलब कि बड़ी तगड़ी तैयारी करवाई जा रही है किसी चीज के लिए, क्योंकि अगली जो चीज अच्छी आने वाली है वो संभाल ली नहीं जाएगी अगर इस फेज में से नहीं निकले। ट्रेनिंग पीरियड है ये, अभी वे ट्रेनिंग चल रही है हमारी स्पिरिचुअली और इमोशनली, है कि नहीं। बस स्टिक पकड़ के रखते हैं वो, ठीक नहीं हमें ही तो पकड़ के बहुत रखते हैं वो, बहुत सबसे पहले पूजा करते हैं कि मैं भी करता हूँ सबसे पहले आप ही को देख जाए। यस यू ये लेनी है पूजा इनकी सबसे पहले, हाँ। शिक्षा ही लेनी है देख कृष्ण की लो, और चाणक्य की, अच्छा बस सक्सेसफुल है बंदा।